हेलो किड्स, टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश कर्सिव। आज हम सीखेंगे लेटर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। कर्सिव में ये सारे लेटर्स आज हम सीखेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू हम कैसे बनाएंगे? हमारा जो फर्स्ट ब्लू लाइन है वहाँ से हम ऊपर की तरफ आएंगे रेड लाइन की तरफ और टर्न लेके नीचे की ब्लू लाइन तक आएंगे। फिर एक कर्व करते वक्त वापस ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ आएंगे उसी को जॉइंट करते हुए और एक छोटा सा कर्व। ये बन गया हमारा कर्सिव का यू। दोबारा बनाएंगे, ऊपर टर्न लेते हुए नीचे, फिर टर्न लेते हुए ऊपर, फिर उसी लाइन से जॉइंट करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और फिर छोटा सा कर्व। अब हम बनाएंगे हमारा लेटर वी। सेम यू की तरह करना है, ऊपर की तरफ आना है, फिर टर्न करके नीचे की तरफ, इसमें हम कर्व थोड़ा सा ही करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ आएंगे और टर्न कर बाहर। ये बन गया हमारा कर्सिव वी। दोबारा देखेंगे, ऊपर आना है कर्व करके नीचे, फिर ऊपर और फिर ऐसे अंदर से बाहर। ये बन गया हमारा कर्सिव का वी। अब हम बनाएंगे डब्ल्यू। हमें कैसे बनाना है? ऐसे ऊपर की तरफ आना है, फिर टर्न करके नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर, फिर अंदर से बाहर। ये बन गया हमारा कर्सिव का डब्ल्यू। दोबारा देखेंगे, ब्लू लाइन से ऊपर रेड लाइन तक, फिर नीचे की ब्लू लाइन तक, फिर ऊपर की रेड लाइन तक, फिर नीचे की ब्लू लाइन, रेड लाइन, फिर अंदर से बाहर। ये बन गया हमारा कर्सिव का डब्ल्यू। अब हम एक्स कैसे बनाएंगे? हमारे रेड लाइन से ब्लू लाइन तक हम एक छोटा सा ऐसे कर्व बनाएंगे, उसी के अपोजिट एक और कर्व बनाएंगे रेड लाइन से ब्लू लाइन तक, और दोनों कर्व आपस में जॉइंट होने चाहिए। ये बन गया हमारा एक्स। कैसे बनाना है? कर्व एंड कर्व, रेड लाइन से ब्लू लाइन, रेड लाइन से ब्लू लाइन। ये बन गया हमारा कर्सिव एक्स। अब हम बनाएंगे हमारा लेटर वाई। वाई हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले फर्स्ट ब्लू लाइन से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर टर्न करते हुए नीचे की ब्लू लाइन तक आएंगे, फिर टर्न करेंगे ऊपर रेड लाइन तक की तरफ, फिर हम नीचे की रेड लाइन तक आएंगे और फिर अंदर से ऐसे बाहर। Y हमारा फोर लाइन में आएगा। दोबारा देखेंगे, ऊपर टर्न करते हुए नीचे, फिर टर्न करते हुए ऊपर रेड लाइन तक और फिर अंदर से बाहर। ये बन गया हमारा लेटर Y। अब हम बनाएंगे Z। Z हम कैसे बनाएंगे? ब्लू लाइन से रेड लाइन की तरफ ऊपर आएंगे, फिर टर्न करके नीचे की ब्लू लाइन तक आएंगे, फिर हम एक कर्व बनाएंगे और फिर ऐसे अंदर से बाहर जाएंगे। ये भी हमारा फोर लाइन में बनेगा Z। दोबारा देखेंगे हम Z कैसे बनाते हैं। अंदर से ब्लू लाइन तक, फिर एक कर्व करेंगे और फिर अंदर से बाहर। ये बन गया हमारा कैपिटल लेटर कर्सिव Z। अब आपने A टू Z कर्सिव सीख लिया, तो अब आपको क्या करना है? खूब सारी प्रैक्टिस। यस, तो घर पर ए टू जेड की खूब सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, और आपकी हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है, बाय बाय।